एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी हो रही है दोपहर और लंच वगैरह हो गया है। मॉर्निंग की पूजा वूजा हो गई है और लंच में कुछ खास नहीं था जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो लंच में आज बनाई थी खिचड़ी, तो वही हम लोगों ने खाई थी खिचड़ी। और मैंने दूध के पैकेट ऑर्डर किए थे तो वही आए हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये एवरीडे के 3 पैकेट मैंने ऑर्डर किए थे, तो अभी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया तो इसके 3 पैकेट मंगाए थे, क्योंकि मैं बाहर से दूध भी लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं किसने क्या आ जाए, तो दूध लेना भी मैंने बंद कर दिया। तो 3 ये पैकेट ऑर्डर किए थे और टिनटिन के लिए हिमालय का पाउडर ऑर्डर किया था, तो 1 ये पाउडर ऑर्डर किया था। और ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी तो ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी ऑर्डर करी थी। तो यही सामान ऑनलाइन आया है और बाकी सामान कल आने वाला है जो हमने पहले ऑर्डर किया था, तो वो सारा सामान कल आएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट मैंने आफ्टरनून से किया, मतलब अभी से किया है, तो अभी से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और देखती हूँ पूरे दिन जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अभी मेरे ननद और नंदोई आने वाले हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, टिनटिन के कुछ कपड़े उन्होंने पहले लिए थे तो अभी सारी शॉप्स बंद है, तो गर्मियों के कपड़े उसके नहीं हैं, क्योंकि अब उसके गर्मियों के कपड़े लेने थे, कि ये 9 मंथ की हुई है वो, तो गर्मियों के कपड़े पिछले साल के थे जो छोटे हो गए हैं। और सारी शॉप्स इस तरह आपको पता ही है कि बंद है, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही है, तो उसके कपड़े नहीं, तो वही वो कपड़े लेके आ रहे हैं, बस 3-4 कपड़े तो उसी में पहने, और बच्चे तो एक दिन पता ही कितने कपड़े गंदे करते हैं, तो इस टाइम सबको प्रॉब्लम हो रही है, कपड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो वही वो लोग अभी आने वाले हैं, तो हम बस वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं चाय वाय उन लोगों के लिए बनाऊंगी, थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर वो चले जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ और इसी दूध की चाय बनाऊंगी। वैसे मुझे ना पाउडर वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसका मैं एक छोटा पैकेट लेकर आई थी, तो मैंने बना के देखी है तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, चाय पीने में अच्छी लग रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ चाय। अदरक मैं बहुत पहले बहुत सारी लेकर आ गई थी, तो अदरक तो अभी चल रही है, बिना अदरक की चाय तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। अगर आप लोगों को पीनी है तो आप लोग भी मेरे घर आ सकते हैं, और मुझे पता है इस वक्त मैं बुला रही हूँ तो आप में से कोई भी नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने इधर मशीन भी लगा दी है, पहले तो सोचा था कि आज कपड़े नहीं धुलूंगी, फिर कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा क्या अलग करना कि चलो कपड़े धुल देती हूँ, तो इधर मेरी मशीन लग चुकी है और कपड़े धुल रहे हैं। के यहाँ पे डाल दिए हैं और बस अब मुझे बालकनी धोनी है। बालकनी में पता है क्या होता है, जब मैं यहाँ मशीन लगाती हूँ थोड़ा सा पानी भर जाता है, और वही अब इस पानी को सुखाना है मुझे बालकनी के। एक तो ये इसमें कुछ गिर गया है यार,
कुछ लीक हो रहा है इसके अंदर। ये एक सोन पापड़ी का पैकेट, इन सबको सर्फ से अच्छे से वॉश करना है। और ये टिनटिन के लिए वाइप्स, और ये दो सर्फ के पैकेट मैंने मंगाए थे, वाइप्स के दो पैकेट मंगाए थे, तो ये वाइप्स के दो पैकेट आए। यार इसमें कुछ गिरा है यार, पता नहीं क्या लीक हो गया। चलो ये वॉश हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और ये बर्तन धुलने के लिए लिक्विड मंगाया था, ये दो मैंने मंगाए। दो नमकीन के पैकेट, इन सबको अब अच्छे से वॉश करना है मुझे। सर्फ के तीन पैकेट मंगाए थे, तो सर्फ के तीन पैकेट आ गए हैं। और ये एक कोकोनट ऑयल, एक ये मंगाया। और अच्छा टिनटिन का ये यार लीक हो गया, पूरा ही लीक हो गया यार, पता नहीं कैसे इन्होंने भेजा है। टिनटिन के लिए ये बॉडी वॉश मंगाया है मैंने हिमालय का, ये पूरा लीक हो चुका है, पूरा पैकेट में फैला हुआ है बहुत बुरी तरह। जब लग के मुझे लग रहा है लगभग आधा लीक हो चुका है, ये मेरे हाथों में भी लग गया। और ये पेप्सी की कैन मंगाई है, पांच ऐसी पांच कैन मंगाई है मैंने। मतलब मन तो कर रहा है ग्रोफर वालों को फोन करो, अच्छे से बताओ। ये दो अचार के डिब्बे, एक है मैंगो और एक है मिक्स अचार। और दो मैंगो के है और एक मिक्स अचार है। और एक मंगाया मैंने हिट मारने के लिए, कॉकरोच तो नहीं है लेकिन छिपकली कभी कभी आ जाती है, तो उसको भगाने के लिए हिट मैंने घर में मंगाया है, क्योंकि छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। और जैसे ही न्यूज आई थी तो मैं थोड़ी सब्जी लेकर आई थी, सब्जी में क्या मेन होता है आलू प्याज टमाटर, तो आलू प्याज टमाटर लेकर उसको भी अच्छे से वॉश करना है। तो और ये टिनटिन के लिए दो मैंने, ये ग्रोफर का ही ब्रांड है, तो दो मैंने ये उसके डायपर मंगाए हैं, ये काफी टाइम चल जाएंगी, क्योंकि एक में है करीब 36 पीसेस है एक में, तो ऐसे मैंने दो मंगा लिए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ इनको वॉश करने, अच्छे से सारा वॉश कर लूंगी, फिर उसके बाद ये सामान लगा दूंगी। और अभी मेरे हाथ बहुत खराब हो रहे हैं, क्योंकि टिनटिन का बॉडी वॉश पूरा लीक हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है मुझे ऐसा लगता है। एक बार तो मैं कंप्लेंट जरूर करूंगी कि कैसे भेजा ये सामान। तो चलिए गाइस बस अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आके मैं नहाई हूँ, जो सामान लेकर आई, फिर मुझे खिचड़ी बनानी है। तो बस अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है, डिनर में खिचड़ी बनाऊंगी, खिचड़ी बना के बस इस ब्लॉग का एंड कर दूंगी। तो चलिए, तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर इसमें सर्फ लगा के अच्छे से छोड़ दिया, एक बार वॉश कर लिया सब था पानी से, और अब थोड़ी देर से सर्फ लगा के छोड़ दिया है, फिर से वॉश करके अच्छे से मैं निकाल लूंगी। वॉश कर रही हूँ जो मैंने मंगाया था, और इस पे तो सर्फ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टिनटिन का जो मैंने बॉडी वॉश मंगाया था पूरा खोल लिया, तो सब पे वही लगा हुआ है अच्छे से, तो ये अच्छे से वॉश करके मैं रख लूंगी। बनाने जा रही हूँ काली दाल की खिचड़ी, और ये मैंने चावल और उसमें काली दाल मिक्स कर ली है, और इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। तो बस यहीं पे मैं इसको वॉश कर रही हूँ पानी से, दो तीन पानी में से निकाल लूँगी। और इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और इसमें कुकर भी गर्म हो गया अच्छे से, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड,
और फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग और जीरा, और इसमें सूखी मिर्च पड़ती है, लाल सूखी मिर्च वही पड़ती है, बस तीन चीज़ पड़ती है, हींग, जीरा, सूखी मिर्च, तो वो मैंने तीनों इसमें डाल दिया है और ये अच्छे से रेड हो गया है। अब इसमें जो मैंने चावल धुले थे, चावल और दाल जो धुले थे वो डाल दूँगी। और इसमें सिर्फ इस खिचड़ी में दो सीटी आती है और इसमें मैं हल्दी नहीं डालती, आवश्यकता अनुसार आप नमक डाल सकते हो, पानी कम पड़ता है क्योंकि ये गीली खिचड़ी नहीं बनती और दो सीटी में बनके तैयार हो जाएगी। तो गाइस देखिए डिनर रेडी हो चुका है, काली दाल की खिचड़ी, और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। सेफ रहिए, खुश रहिए, तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।